पाकिस्तान के हाल दिन बर दिन सुधरने की जगह बिगड़ते ही जा रहे हैं। पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में 12 अंडों का दाम फिलहाल 400 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गया है। वहीं प्याज 1 किलो 230 रुपए से अब बढ़ के 250 रुपए प्रति किलो हो गया है। हालांकि सरकार ने इसका दाम कम करके 175 रुपए तय करने का ऐलान किया है, लेकिन फिर भी मार्केट में इसकी बिक्री 250 रुपए पर ही हो रही है। पाकिस्तान में 1 किलो चिकन 615 रुपए किलो में मिल रहा है। दूध का तो आप सुनकर चौंक ही जाएंगे, 1 लीटर दूध मिल रहा है 213 रुपए के करीब। टमाटर 200 रुपए किलो से ज्यादा और चावल 328 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। इस समय पाकिस्तान इतिहास के सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। इकोनॉमी की बुरी हालत के कारण पाकिस्तान बार बार IMF से लोन लेने को मजबूर हो रहा है और लगातार कमी दर्ज की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस के मुताबिक पाकिस्तान में साल 2023 में महंगाई दर 30% तक पहुंच गई थी। वहीं देश की GDP इस दौरान -0.5% रही। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में देश में विदेशी मुद्रा भंडार 7 बिलियन था। वहीं जुलाई 2023 में ये 8.1 बिलियन डॉलर था। ऐसे में पिछले 4 महीनों में इसमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए IMF ने इसे 3 बिलियन डॉलर का बेलआउट पैकेज देने का ऐलान भी किया, जिसमें से 2 किश्तों को मंजूरी मिली है। IMF की तरफ से पाकिस्तान को जुलाई 2023 में 1.2 बिलियन डॉलर की पहली किश्त मिली थी, जबकि दूसरी किश्त जल्द ही मिलने की उम्मीद है। लेकिन इसके बावजूद भी देश की आर्थिक हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही। आपको क्या लगता है पाकिस्तान की इस बढ़ती महंगाई और लाचार जनता के बाद आपका क्या कहना है पाकिस्तान की इस बढ़ती महंगाई और लाचार जनता की हालत देखकर? हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं।